हे गाइस, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से अक्षय कुमार की अपकमिंग एंड मच अवेटेड फिल्म सेल्फी को लेकर, जिसका ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है। बस करेंगे डिस्कशन और जानेंगे कि टीजर कैसा है, ट्रेलर कैसा है, ट्रेलर को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है और फिल्म हिट हो सकती है या फिर फ्लॉप। आपको याद है सेल्फी, जिसका ट्रेलर अभी कुछ 2 घंटे पहले यूट्यूब पर अवेलेबल कराया गया है। और आपको याद है, कमाल की बात तो यह है, फिल्म की स्टोरी काफ़ी कमाल की लग रही है, काफ़ी एनर्जेटिक लग रही है, काफ़ी एंटरटेनिंग लग रही है। और कमाल की बात एक ये भी है कि फिल्म रीमेक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म को रीमेक की वजह से टारगेट होना पड़ सकता था। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जिस फिल्म की रीमेक है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। और ड्राइविंग लाइसेंस हिंदी डब में बहुत कम ऐसे ऑडियंस होंगे जिन्होंने देखी होगी, और यही इस फिल्म के लिए पॉजिटिव प्लस पॉइंट रहेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस फिल्म को अब ओरिजिनल की तरह ट्रीट किया जा सकता है। और वहीं पर अगर बात की जाए ट्रेलर को लेकर, तो ट्रेलर में जो परफॉर्मेंस है अक्षय कुमार की या फिर इमरान हाशमी की, दोनों की ही टक्कर की परफॉर्मेंस है। ऑडियंस को दोनों को ही प्यार मिल रहा है, दोनों को ही सपोर्ट मिल रहा है। और कहीं ना कहीं कहूँगा कि फिल्म एक नेक्स्ट लेवल की हिट हो सकती है, क्योंकि फिल्म एक ओरिजिनल फिल्म होने वाली है, भले ही ये रीमेक क्यों ना हो। क्योंकि मैं सही बताऊँ तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 90% ऐसे हिंदी यूज़र्स होंगे जिन्होंने शायद फिल्म देखी ही नहीं है। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस बहुत कम लोगों ने देखी है रियरली। तो यही कारण है कि फिल्म पसंद की जा रही है, ट्रेलर को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, इस फिल्म के मोशन पोस्टर्स, टीजर्स, सभी को पब्लिक की तरफ से काफ़ी अच्छा प्यार मिला। देखते हैं 24 फरवरी को जब ये रिलीज़ होगी तो क्या रिकॉर्ड अपने नाम करेगी। ऐसे में आपकी ओपिनियन क्या है ट्रेलर को लेकर, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। मैं तो कहूँगा ट्रेलर एकदम एक नंबर है, बिल्कुल सेल्फी के लायक। थैंक यू, बाय, टेक केयर।